गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम क्लास सिक्स के चतुर्थ पाठ है क्रीड़ा स्पर्धा का अध्ययन करेंगे। ये जो पाठ है क्रीड़ा स्पर्धा, ये किसी बुक में नवम पाठ है और किसी में चतुर्थ है, पर जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें यह पाठ चतुर्थ पाठ है और उसके स्थान पर जो विद्यालय पाठ है वो चैप्टर में नहीं है, तो आप लोग उसे काट के क्रीड़ा स्पर्धा को फोर्थ चैप्टर ही लिखना। यह नवम चैप्टर नहीं है, नवा पार्ट नहीं है, ये फोर्थ चैप्टर है। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये जो पार्ट है वह सर्वनाम के प्रयोग से रचा गया है। हुमा, यूयम कुत्र गच्छत, कि यूयम मतलब तुम सब, कुत्र मतलब कहाँ, गच्छत मतलब जा रहे हो, कि तुम सब कहाँ जा रहे हो। हुमा जो है वह कहती है कि तुम सब कहाँ जा रहे हो, तो इंदर कहता है वयम विद्यालय गच्छामः, हम सभी विद्यालय जा रहे हैं। फेकनह जो है एक लड़की का नाम है, वह कहती है तत्र क्रीड़ा स्पर्धा सन्ति वयम खेलिष्यामः, वहाँ पर क्रीड़ा स्पर्धा यानी खेल की प्रतियोगिता है, वयम खेलिष्यामः, हम सभी वहाँ खेलेंगे। तो रामचरण कहता है क्या स्पर्धा केवल बाल के भे एवं संति, क्या वह जो स्पर्धा है, वह जो प्रतियोगिता है, केवल बालकों के लिए ही है। तो प्रसन्न है, जो प्रसन्न होकर के जो वो प्रसन्न है वह कहती है कि नहीं, बालिका अपि खेलिष्यन्ति, कि बालिकाएं भी खेल सकती हैं। जो रामचरण है वह पूछता है कि क्या वह बालकों के लिए है, तो प्रसन्ना कहती है नहीं, उसमें बालक भी खेल सकते हैं। फिर आगे रामचरण कहता है कि यूयम सर्वे एकस्मिन दले स्थ, क्या तुम सभी एक ही दल से खेलोगे, अथवा पृथक पृथक दल या अलग अलग दल में खेलोगे, क्या तुम एक ही प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हो या अलग अलग प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हो। तो प्रसन्न है वह कहती है तत्र बालिका बालका च मिलित्वा खेलिष्यन्ति, के वहाँ पर जो बालक और बालिकाएं हैं वह मिलकर खेलेंगे। फेकन कहती है आम बिडवेंटर क्रीडायाम मम सहभागिनी जूली अस्ति, कि मैं बैडमिंटन क्रीड़ा के अंदर हूँ, मतलब बैडमिंटन खेलूंगी और मेरे साथ में जूली भी खेलेगी, मेरे साथ में जो मेरी पार्टनर है वह जूली है। तो प्रसन्ना जो है फिर वह कहती है एतत् अतिरिक्त कबड्डी नियुक्त नियुद्ध क्रिकेटम पादकंदुकम हस्तकंदुकम चरण तरंग इत्यादि स्पर्धा भविष्यन्ति, कि इसके अतिरिक्त वहाँ पर कबड्डी, नियुद्ध का मतलब होता है जूडो, क्रिकेट, पादकंदुकेन मतलब फुटबॉल, हस्तकंदुकेन मतलब वॉलीबॉल, चतुरंग का मतलब होता है चेस इत्यादि स्पर्धा भविष्यन्ति, के वहाँ पर कबड्डी, जूडो, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, चेस आदि खेल भी खेले जाएंगे, यानी ये सब भी क्रीड़ाएँ वहाँ पर होगी। तो इंद्र कहता है हुमे कि तुम न क्रीड़े से, क्या हुमे क्या तुम नहीं खेलोगी, खेल रही हो, तो भगिनिया तू मम पक्षे क्रीड़े थी, तुम्हारी जो बहन है, भगिने का मतलब बहन है, वह तो मेरे पक्ष में यानी मेरे साथ ही खेल रही हैं। तो हुमा कहती है नहीं, महो चलचित्र रोचते, वह कहती नहीं, मुझे तो चलचित्र अच्छे लगते हैं, चलचित्रम का मतलब सिनेमा वगैरह अच्छे लगते हैं, मूवी वगैरह। परम अत्र अहम दर्शक रूपेण स्थापित, परंतु मैं वहाँ पर दर्शक के रूप में बैठी रहूँगी। फिर फेकन कहती है ओहो पूरन कुत्र अस्ति, कि ये पूरन कहाँ है, कि स कस्यामपि स्पर्धा प्रतिभागी नास्ति, क्या वह किसी भी प्रतिस्पर्धा में प्रतिभागी नहीं है, मतलब किसी भी प्रतियोगिता में भाग नहीं ले रहा है। तो रामचरण है स द्रष्टुम न शक्नोति, वह देख नहीं सकता है, तस्में अस्माकं विद्यालय पठनाय तो विशेष व्यवस्था वर्तते, उसके लिए हमारे विद्यालय में पढ़ने के लिए तो विशेष व्यवस्था है, परम के
क्रीड़ाएँ प्रबंध नास्ति, परंतु खेलने का कोई प्रबंध नहीं है, यानी कि जो पूर्ण है उसको खिलाया जाए या खेल में किसी में उसको हिस्सा दिलाया जाए, इसके लिए कोई प्रबंध नहीं है। हुमा अयम कथमपि न न्याय संगत, ये तो किसी भी प्रकार से न्याय संगत यानी कि अच्छी बात नहीं है। पूर्ण समक्ष है, पूर्ण समक्ष है, परम प्रबंधस्य अभाव क्रीडन्तु न शक्नोति, परंतु प्रबंधन के यानी व्यवस्था के अभाव में वह खेल नहीं सकता है। इंद्र है, इंद्र कहता है अस्माकं तादृश्यानि हमा, यानी कि हम उसके हमारे उसी तरह के अनेक मित्राणि संति, उसी प्रकार के अनेक मित्र हैं, हमारे उसी प्रकार के अनेक मित्र हैं। वस्तुतः तानि अन्यथा समर्थानि, वस्तुतः वे भी जो है अन्य तरीकों से समर्थ हैं, यानी वह अन्य चीज़ों को करने में समर्थ है, परंतु अभाव के कारण वह नहीं कर पाते हैं। तो फेकन कहती है कि अतः वयम सर्वे प्रचार्य मिलाप, अतः हम सभी को प्रचार्य से मिलना चाहिए। तम कथियत क्या कहते हो, उनसे कहते हैं कि हम सबको अपने प्रचार्य से मिलना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, उन्हें कहना चाहिए शीघ्रमेव तेषां कृते व्यवस्था भविष्यति, कि शीघ्र ही उनके लिए व्यवस्था हो जाएगी। ऐसा वह कहते हैं कि हम सब प्रचार्य से बात करेंगे जिससे कि वह शीघ्र ही ऐसे बालकों के लिए एक उचित व्यवस्था करेंगे। अब हम इसके शब्दार्थ करते हैं। स्पर्धा यानी प्रतियोगिता, यूयम यानी कि तुम सब, वयम यानी हम सब, खेलिष्यामि यानी खेलेंगे, मिलित्वा यानी कि मिलकर, नियुद्धम यानी कि जूडो, पाद कंदुकम यानी कि फुटबॉल, हस्त कंदुकलम यानी कि वॉलीबॉल, चतुरंग यानी कि चेस और चलचित्रम यानी कि सिनेमा, स्थाशामी मतलब रहूँगा या रहूँगी, दुष्टम का मतलब देखने के लिए, न्याय संगत मतलब उचित, तादृश्यानी मतलब वसे, अन्यथा समर्थानी यानी भिन्न तरीकों से योग्य। अब हम इसके अभ्यास प्रश्न करेंगे, इसमें आपको उच्चारण करना अहम आवाम वयम मम माम आवाम अस्मान मम आवयो अस्माकम त्वम युवाम युयम त्वाम युवाम युष्मान तव युयो युव्यो युष्माकम। अब हम इसके जो है प्रश्न सेकंड को करेंगे। निर्देशानुसार परिवर्तन कुरुत, आपको इन शब्दों को परिवर्तित करके लिखना है। तो इसमें लिखा हुआ है उदाहरण के लिए अहम क्रीडामि यानी कि हम खेलते हैं, तो आपको बहुवचन में लिखना है तो वयम क्रीडामः, हम सभी खेलते हैं। अहम नृत्यामि तो ये हो जाएगा वयम नृत्यामः, त्वं पठसि तो ये हो जाएगा यूयम पठतः, युवाम गच्छत है तो ये हो जाएगा त्वम गच्छति, अस्माकम पुस्तकानि तो ये हो जाएगा अस्माकम पुस्तकानि, और त्वम ग्रहम का मतलब हो जाएगा, को द्विवचन में लिखना है तो ये हो जाएगा युवयो ग्रहम। अब हम इसके दूसरे क्वेश्चन को करेंगे, इसमें आपको परिवर्तन करके लिखना है। तो यहाँ लिखना अहम नृत्यामि का हो जाएगा वयम नृत्यामः, त्वं पठसि का हो जाएगा यूयम पठसि, यूयम गच्छत का हो जाएगा त्वं गच्छामि, अस्माकं पुस्तकानि का हो जाएगा मम पुस्तकम्, और अहम तव गृहम का हो जाएगा युवयो गृहम। कोष्टकात् उचित विकल्प उचित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, अहम पठामि, युवाम गच्छत, मम एतत् मम पुस्तकम्, युष्माकं क्रीडानि, आवाम छात्रे स्व। अधोलिखित पदानि आधारीकृत सार्थक वाक्यानि रचिते, तो यूयम शिक्षक शिक्षक न सेथ, वयम चित्राणि रचयामि, यूयम कथम कथयस्य, अहम दूरदर्शनं पश्यामि, त्वं लेख लेखयसि, आवाम पुस्तकं पठिष्यावः। उचित पदे वाक्य निर्माणं कुरुते, एतत् मम गृहम्, आवयो मैत्रीद्रयम्, एष युष्माकं या अस्माकं विद्यालये, एषा तौ अध्यापिका, भारतम् अस्माकं देशे, एतानि तानि पुस्तकानि।